तो कैसे हो तुम लोग? तो जब मैं आज सुबह ऐसे ही सो के उठा तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैं टेडेक्स देखने लग गया। साला वहां वो बोले, अरे बहन चोदो, दुनिया को बच्चों की नजर से देखो, बहुत क्रिएटिविटी आएगी। तो मैंने कहा चलो कार्टून ही देख लेता हूँ। मुझे इतना मजा आ रहा था, उसमें एक कैरेक्टर था पप्पू नाम का, उसकी माँ तो इटालियन थी और वो इतना मस्त कैरेक्टर था। लेकिन तभी पापा आ गए और मेरे को लगा बहुत मारेंगे, पर नहीं यार, वो तो खुश हो गए। बोलते हैं बेटा बड़ा हो गया है, लोकसभा टीवी देख रहा है। तो मैंने कहा चलो डिज्नी देख लेता हूँ। यहाँ देखा तो पाया माँ कसम बहुत लोचा है, साला डिज्नी और सारे कार्टून चैनल में भारी लोचा है। तो मैं लोचाई उल्फत सुनने लग गया। लोचाई उल्फत हो गया। अबे यार रुको रुको। हाँ तो मैंने सोच लिया कि लौड़ा इस विषय पर रोशनी तो डालनी पड़ेगी, नहीं तो कोई रोशनी में अपना डाल के हिलाने लगेगा। स्नो वाइट हवसियों की शिकार। अरे भाई चोद ने बुला रही है। सालो राइटर के अंदर इतनी हवस थी कि नाम भी मुठ के कलर पे रखा और पूरी स्टोरी को हवस के पुजारियों से भर दिया। बेचारी। अच्छा आपको क्या लगता है पूरी पिक्चर में सबसे सही कैरेक्टर कौन था? मुझे लगता है स्नो वाइट की सौतेली माँ। साला कितनी प्यारी इंसान थी यार, देखो यार देखो। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब पूरी मूवी में सबसे ज्यादा हवस किस में? साला शीशे में। शीशा हो या दिल हो, पर साला दिल टूट गया पर ये नहीं टूटा। यार इतना हवस कम था कि आगे भी जिंदगी झंड कर दी। साला ये लड़की तो चूतिया थी, है और रहेगी। अबे जो लड़का सोती हुई लड़की को किस कर दे वो भी जंगल में, साला मतलब समझते हो तुम लोग? इसके किंगडम का नाम हवसपुर है। फैंटेसी पूरी कर रहा था यहाँ पर अपने जंगल के बीच में, वो तो अच्छा हुआ लड़की उठ गई, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर देता। और इन बुड्ढों का सोचो यार, इनका क्या, इनके लंड का क्या, साला शीशे की हवस का क्या? तेरे जैसा यार साला हवस तो अपने इंडिया वालों में भी बहुत है। सुनो यार एडवर्टाइजमेंट के नाम कैसे चूतिए जैसे रख रखे हैं, आइडिया 3G सुनो आबादी। अरे देख लो बिजली, फिर देख लो टीवी, फिर टीवी टू टीवी, टीवी टू टीवी, टीवी टू टीवी। अरे बड़ी बर्बादी, क्या बड़ी आबादी, आबादी पर है ना आइडिया 3G। नमस्ते जी, खुश रहो। नो कुश्ती ना नन, क्योंकि सब हो गए हैं 3G पे बिजी। ओजी चेन्नो, वन मोर लेट्स हैव नो वर्ल्ड कप। अब इसकी क्या आस रो रहा है। त्याग दिया है मैंने अपना वैवाहिक जीवन अपने देश के लिए। बहन चोद क्या है ये, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एडवर्टाइजमेंट देख लो, ऐसा लग रहा है पोर्न हब पे जाके पोर्न चला रखा है। तो चलो भाइयों ये तो बैठ गई घोड़े पे, अब असली घोड़ा मिलेगा तुम्हें हवेली पे। अब यार एक बात तो बोला ही नहीं, आओ कभी हवेली पे। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अंधेरे में रोशनी डालिए, नहीं तो रोशनी में डालिए और कुछ नहीं तो अंधेरे में हिला लो।